यार मैं ऊपर वाले से दुआ भी कर रहा था पंचर ना हो, 5,000 रुपये तक का चलान रहता है। और पहले इस होटल पे अपनी गाड़ी भाई सामने खड़ी होती थी जो कि फट्टा टेढ़ा लगा है, पर अभी इस टाइम इस साइड में खड़ी है। और इस टाइम खड़ी होने का रीज़न है भाई कि हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, यार आज का ब्लॉग स्टार्ट करते भाई। तो अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है फिलहाल धारवाड़ का, और इसमें लोड है पता क्या, ट्रैक्टर, जो कि यार पूरे रास्ते में परेशान करते हैं ट्रैक्टर, क्योंकि वजन होते हैं, वजन होने के कारण भाई टायर वगैरह हमें सब फाड़ता रहता है। आ जाओ यार ये अपना ट्रक, लाइफ स्टाइल ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ट्रक लेके चलते हैं आगे। वैसे हम वही चल रहे हैं भाई, नागपुर के आउटर रिंग रोड है, और जगह बता दूँ आपको कि ये बुट्टी बोरी वाला रोड है जो कि नीचे उतरेगा, और ये वही स्टेडियम है जो इस दिन बरसात में आपको दिखाया था, और अच्छे से दिखा नहीं था, बस भाई लाइटें दिखी थी। आज दिन में थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि यार मैं नज़दीक से जाके दिखा नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी ले आऊँ ना बताओ कहाँ जाऊँगा इतनी बड़ी गाड़ी ले। आ जाओ हमें उतरना है हैदराबाद वाले रोड पर, तभी आगे से भाई गोल गोल घूमर के उतरना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल कस के भाई इंसुलेटर दे देगा, क्योंकि चढ़ाई है थोड़ी सी, और चढ़ाई की वजह से भाई गाड़ी अपनी डाउन हो जाती है अगर इंसुलेटर ना दो तो। इसके लिए फटाफट भाई बुट्टी बोरी वाले रोड पे उतरते हैं, और आगे हमारा इंडियन ऑयल का पंप है, वहाँ से लेंगे डीजल, और डीजल लेने के बाद भाई वर्धा होते हुए नांदेड़ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको बताते रहेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक आप बनते रहो। सबसे पहले भाई गाड़ी जब हमारी लोड होती है ना, तो नज़दीकी में जो भी कंपनी का पंप होता है, या कंपनी का नहीं है तो जियो का पंप, तो भाई पहले डीजल दिया जाता है। तो फिलहाल वहाँ से 30 से 25 किलोमीटर के आसपास ये हमारा इंडियन का पंप पड़ता है, जो कि कंपनी के अकाउंट इस पर चलता है। अभी हमें लेना है यहाँ पे डीजल, तो अभी मैसेज करवाना पड़ेगा, मैसेज करा के उसके बाद आगे गाड़ी लगाएंगे। ये रहा भाई पंप, यार जगह बड़ी कम है यार, क्योंकि ये रोड में पंप का काम चल रहा है ना, इसके वजह से। यहाँ पे सारी कंपनियों का भाई डायरी खोल के रखा हुआ है, और कार्ड भी, बस खाली जिस कंपनी का आया नाम भाई सिग्नेचर मारो, नाम लिखो डायरेक्ट डीजल लो। आज तक सबका फैला के रखे हैं। इस गाड़ी का भाई डीजल हो गया, अभी ये गाड़ी निकलेगी, उसके बाद हमारी गाड़ी निकलेगी। देख रहे भाई इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ, और मेरी भी गाड़ी यार किसी से कम नहीं है। आ जाओ अपनी गाड़ी अब लगाते हैं, क्योंकि अब अपना वारी आ गया भाई। यहाँ भी भाई अपना 300 लीटर डीजल हो गया है, और टंकी लगभग भाई फुल्ली फुल्ली है, दिख गया भाई। अभी आप सोचो कि भाई कि यहाँ पे क्यों रुक गया, तो गाड़ी अभी नहीं, देख लो रोड के साइड में लगाइए, जो कि पूरा फुल जगह है, और यहाँ पे 8 साइड की पार्किंग है, और हमारा भाई ऑफिस भी है यहीं पे,
तो हमें यार ये पीयूडी होती है और टोल पर्ची, बहुत सी पर्चियाँ होती है ना, वो सब जितने भी रोड का मिलता है वो सब भाई कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करके फिर सारे पर्ची वगैरह भाई ऑफिस पे जमा देना पड़ता है। तो ऑफिस अपनी इस बिल्डिंग में है, तो आ जाओ बिल्डिंग में चलते हैं पहले। और एक भाई कमेंट किए थे कि भाई चलान वगैरह कहाँ से मिलता है आपको, तो चलान का बताऊँगा आपको। तो चलान भाई जिस बॉर्डर पे जाते हैं ना, तो कंपनी भाई बोलती है भाई चलान करा लो, तो वहाँ पे चलान करा लेते हैं और वो चलान मिल जाता है हमें सीधा भाई उसी बॉर्डर से। नहीं तो फिर ऑनलाइन चलान होता है, लगभग बॉर्डर से सारे चलान मिलते हैं। नहीं तो अगर पिछली बार का हम चलान करके रखे हैं तो वो चलान हमारा चल जाता है। एक चलान एक महीने चलता है और कहीं कहीं पे एक चलान एक ही चक्कर का चलता है, जो कि 5,000 रुपये तक का चलान रहता है। और इससे भी ज़्यादा चलान आता है, तो हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 जाती है और 2,000 बस इतना है। अब यार इसी बिल्डिंग के नीचे हम रुके हैं, फ़ोन कर रहे हैं भाई सर को, तो थोड़ी सी बिजी आ रहे हैं, वो बताएंगे तभी ना भाई कहीं एंटर करेंगे, नहीं तो यार कहाँ पे एंटर करेंगे ऐसे बिल्डिंग में। बस वही यार फ़ोन कर लें फिर से एक बार, देखते हैं कहाँ पे भाई बुलाते हैं। वैसे आ गया हूँ बिल्डिंग के पास में, तो बुलाएंगे किस फ्लोर पे है ऑफिस, उसके बाद ही अंदर जा सकते हैं ना, ऐसे तो घुस नहीं सकते ऑफिस से। भाई हमारा काम तो हो गया, आपको ना ये आरसा की पार्किंग दिखा दूँ, नहीं तो बोलोगे यार पार्किंग नहीं दिखा है। आवाज़ भी सुन ली है। इस रोड पे जितनी भी फट्टा टेलर देख रहा हूँ ना भाई, सब में सरिया वगैरह लोड होके जा रही है, पर यार आवाज़ बहुत कर रही है। और आप पूछ रहे थे यार कि आप कैसे कैसे जाते हो, यानी रोड कि रोड भाई कौन बताता है किस रोड से जाते हो कैसे जाते हो, तो इसका भी लॉजिक आपको समझा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी लगी है जहाँ पर लगाई थी वहीं पर, तो सामने देख ही सकते हो। और एक गाड़ी और आ गई है हमारी पालिया की, जो कि वो लगी है। सुबह में मैं यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास आ गया था और अभी बज रहे हैं 11:15, तो लेट हो गया इसलिए भाई कि हमें जिस रोड से जाना है वो रोड ना उस पर काम चल रहा है, प्लस हर एक जगह पे फाटक लग गया है, फाटक की वजह से भाई इतना टाइम लग गया रोड कंफर्म करने में। और रोड जो होती है वो हमारी कंपनी बना के देती है कि इस रोड से जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम सीधा भाई हैदराबाद जहीराबाद ऐसे करके जाएंगे, तो सीधा सीधा रोड है बस, और मस्त मस्ती में जाएंगे। अभी अपनी गाड़ी भाई मस्त खड़ी है, पर एक बार हम ना टायरों पे नज़र मारेंगे, क्योंकि टायर भाई थोड़े सही चलने चाहिए यार। यार वैसे भी ट्रैक्टर लोड है, हाथी सा लोड, और हाथी सा लोड जहाँ पे होता है ना वहाँ पे यार उतना ही मेहनत करना पड़ता है, पहली बार तो गाड़ी ज़्यादा जोर डालती है ठीक। और उसके बाद ना अगर कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तुरंत टायर फाड़ना इस साथ, तो इसके लिए एक बार चेक करते हुए और प्यार से आगे निकलेंगे। ऐसे करके हम टायर यानी रिंग भाई चेक करते हैं कि रिंग गर्म है या नहीं। रिंग गर्म होता तो टायरों को गर्म करता है, जब टायर गर्म होते हैं ना तो भाई टायर फाटता है ठीक। वैसे हमारा एक टायर जो है घोड़े का ये है थोड़ा कमज़ोर, उधर भाई गाड़ी में मतलब दिक्कत हो गया था इसके लिए वाली टायर कमज़ोर है, अभी देख लूँ पूरा खत्म है, फिर भी आराम आराम से इसी पे लेके चलेंगे। आ जाओ अभी निकला जाए, डीजल तो अपना हो ही गया है। और अपनी कंपनी की ना एक दो गाड़ियाँ और दिखाता हूँ, जो कि भाई अपनी कंपनी में फट्टा टेलर चलते हैं, उनमें लोड होती है बस और घोड़े, यही सब लोड होता है। अभी जो पीछे ट्रक दिख रहा है ना उस पे लोड है बस, वो है अपनी कंपनी की। आ जाओ अभी एक गाड़ी आगे भी है, आगे भी दिखाता हूँ। अभी ये जो गाड़ी खड़ी है ना इनमें भाई है लोड अपना बस, ये भी हमारी गाड़ी के 45-46, मेरी गाड़ी 45-48 है और ये पालिया ट्रांसपोर्ट लिखा होगा। आ जाओ अब हम भी धीरे धीरे निकलते हैं, और वो जो बस लोड थी ना वो वाली भी गाड़ी देख सकते हो भाई वहाँ से निकल चुकी है, पर भाई टर्निंग है तो इसके लिए नहीं दिख रहा है। ये जो सामने आड़ा ब्रिज दिख रहा है ना, तो हमें इसी रोड से जाना था, आड़ा ब्रिज पे चढ़ के और वर्धा होते हुए जो कि वर्धा पड़ता है इस साइड में, पर हमें यार रोड हमारा चेंज हो गया भाई, अब सीधा हैदराबाद होते हुए भाई हमें निकलना है। नहीं तो भाई हम भी इसी रोड से जाते वर्धा होते हुए, पर उधर भाई ब्रिज का काम चल रहा है और प्लस वहाँ पे रेलवे
रेलवे का, और वहाँ पे लग गया फाटक, और फाटक लगने की वजह से भाई अपनी अपनी गाड़ी का हाइट ज़्यादा होता है ना, इसीलिए अपनी गाड़ी नहीं निकल पाती। अभी आगे निकलते हैं सीधा भाई हैदराबाद की साइड, और आपको हम हैदराबाद इंजॉय कराते हुए यानी यहाँ से लेके हैदराबाद रोड तक, ठीक है, और कुछ अच्छी से जानकारी देते हुए ना आगे निकलेंगे। वैसे भाई अपने ब्रेक नहीं लग रहे थे ना, बस ठीक से डूब गया हूँ भाई ब्रेक मिलाने के लिए। अभी आपको बता दो ब्रेक यार इसका कहाँ से सेट होता है, ठीक। अभी ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से भाई अपने को ना नट होता है ये। अभी आपको सिंपल दिख रहा होगा, पर इसको आगे पीछे करके भाई ये जो रिंच होता है ना 14 नंबर का, ये 14 नंबर का रिंच ये लग जाएगा, ठीक। इस तरह से भाई ब्रेक मिल जाता है, ठीक। इसको कसना पड़ता है अपने हिसाब से, तब जाके भाई सही मिल जाता है। प्लस इसको भाई ऐसे चाकू क्या जैसा होता ना ऐसा लेके भाई, तो मेरे पास चाकू वगैरह नहीं है, तो इसके लिए इतना छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। और इधर एक पॉइंट होता है, ये देखो एक होल से दिख रहा है ना, इसमें भाई इसको डाला जाएगा, ये पत्ती पत्ती डाल के फिर उसके बाद अंदाजा लगा के फिर भाई ब्रेक को सेट किया जाता है, तब जाके ब्रेक लगता है। आधा फटाफट मैंने सेट कर दिया। अभी रुक गए भाई खाना खाने के लिए, अभी 1:30 बज गया, तब जाके होटल मिला। और यार पहले एक काम होता है ना, कहीं पे भी हम रुकते हैं तो पहले टायर चेक करते हैं, तो टायर चेक करने के बाद पता ये चला कि भाई ये टायर लग रहा है पंचर है, अभी पंचर नहीं है, धीरे धीरे करके ना हवा निकल रहा है, जो कि इसमें साइज़ भी देख सकते हो, ये ज़्यादा फेंका हुआ है और इसमें कम, और इधर से हवा कहीं से लीकेज कर रहा है भाई, आवाज़ बराबर आ रही है, एक बार आप भी सुनो। तो यार पंचर ना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पंचर हो जाएगा तो भाई 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 ना बड़ी दिक्कत होगा यार, क्योंकि ट्रैक्टर लोड है, जैक चढ़ाने में भाई ना वाट लग जाती है। वैसे सारे टायर चेक कर लिए, और ट्राले का टायर है ना तो ट्रैक्टर लोड होता है तो भाई टायर ज़्यादा अपने गर्म होते हैं, तो वैसे गर्म है, तो जब तक नहाए खाएंगे ना तब तक भाई अपना टायर ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। फिलहाल एक मसला ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर यार ये टायर का हवा निकल रहा है हल्का हल्का, इससे निकल रहा है कि भाई इधर कहीं से प्रेशर से निकल रहा है, प्रेशर पाइप से पता नहीं, तो यार एक डर लग रहा है बस पंचर ना हो, ऊपर वाले बचा ले यार। वैसे यार मुझे पंचर ही लग रहा है, क्योंकि ये देखो टायर बैठ रहा है धीरे धीरे, और ये नहीं, चलो अभी देखा जाएगा, ज़्यादा बैठेगा तो भाई भी फिर खोल के निकालेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं नहाने के लिए, यहाँ पे अपना भाई पानी का डब्बा हो गया, इसमें पानी लेंगे, और ये नहाने का सामान, और भाई कपड़े वगैरह हैं धुलने के लिए। आपको बताया था ना भाई मेरा एक टायर हवा निकल रहा है, लगता है पंचर है, और यार मैं ऊपर वाले से दुआ भी कर रहा था पंचर ना हो, पर यार उसको ना धीरे धीरे करके हवा निकल गया, और फिलहाल मैंने खोल के एक टायर अलग कर दिया जो सही है, ये अंदर वाला भाई टायर अपना पंचर है, तो अभी इसको फटाफट निकालते हैं। वैसे यार फिर से जाके थोड़ा बहुत चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यार बैठ रहा है ये, निकल रहे हो यहाँ पे, यही अच्छा बात है कि यहाँ पे ना एक ही जैग में काम हो गया, एक जैग में टायर टंग गया। आ जाओ फटाफट निकालते, वैसे प्यास भूख दोनों लगी, अभी नहाया भी नहीं, कपड़े वगैरह देख रहे हो वहीं पर रखा हूँ, अभी सोचा कि अभी जाऊँ, पर फिर से एक बार चेक किया तो भाई हवा जल्दी जल्दी उतर रहा था, तो इसके लिए आराम से निकाल दिया। अभी भी हवा की आवाज़ आ रही है, कहीं से पंचर है, छोटा ही मोटा है पर है। आ जाओ यार निकालते हैं, वैसे प्यास अच्छी खासी लगी है। अभी अपने टायर में भाई हवा पड़ रहा है, आपको बताया था कि भाई इंजन स्टार्ट करके पड़ता है, तो अभी पड़ रहा है, और बिल देखो भाई इतना बिल बना है, 150 पंचर का, होल फिटिंग 100 रुपये, और लंगोट भाई ख़राब हो गया था अपना, जो कि वो पड़ा है फट गया है, और इसलिए लगे लंगोट ख़राब होने की वजह से भाई ऊपर ऊपर पंचर हुआ था, टोटल भाई 500 रुपये अपना बिल बन चुका है। और भाई अपनी गाड़ी देखो उधर खड़ी है, अभी उधर मेरे को जाना पड़ेगा कार लेके,
यहाँ से 150 मीटर पड़ जाएगा। कपड़े और चादर भाई कचार के इधर डाल दिए, और नहाने की जगह भाई बताता ही हूँ अलग बनी रहती है, तो ये नहाने की जगह है। और कपड़े वगैरह आराम से धो के भाई डाल दिए, और कसम से बताऊँ ना भूख अच्छी खासी लगी है। अभी चलते हैं होटल की साइड, खाना खाते हैं, क्योंकि यार मेहनत हो जाती है ना तो और तगड़ी भूख लग जाती है। वैसे शाम के 4 के आसपास हो रहा होगा, और गाड़ी भाई उसी साइड अपनी लगी हुई है कैब के लिए, और होटल वही सामने सरदार जी का। ये भाई आ गया हमारा खाना, तंदूरी रोटी जो कि मैदे की है, और आलू मटर की सब्जी। वैसे होता ना भाई कभी कभी नसीब से खाना मिलता है, उसी तरह आज यार शाम के 5 बज गए, सुबह से यार अभी को खाना मिला। सुबह से जहाँ तक कि मैं नाश्ता भी नहीं दिया था, वो नई ऑफिस पे गया था ना इसकी वजह से। अभी यार आ जाओ मशीन में था, खाते हैं मस्त खा के भाई, फिर वैसे ज़्यादा चलेंगे नहीं, कुछ दूर जाके ना बॉर्डर के, महाराष्ट्र बॉर्डर के पहले पहले जाके आज सोएंगे, क्योंकि यार थक गया हूँ अच्छा खासा। सर खाना देख के मुंह में पानी आ रहा है। सही जमी कि नहीं सब्जी? सही जमी, थोड़ा कांदा ला दो, कांदा नींबू नहीं, प्याज तो लाया, प्याज चटनी नींबू नहीं, देख लो नींबू मिल जाती है ना वही तो मन भी खुश हो जाता है, मजा भी आ जाता है। आ जाओ प्याज पे पहले यार नमक डालते हैं, मस्त चटनी भाई कहीं कहीं पे मिल जाती है ना बहुत अच्छी सी, तो एक बार चटनी को भी टेस्ट करते हैं कि चटनी कैसी है। सही है भाई चटनी भी खतरनाक सी है, वैसे मेरा बस चले ना तो सारी रोटी से चटनी ही खा जाऊंगा। ये आ गए भाई नींबू, आ जाओ मज़ा आएगा खाने में। पेट पूजा हो गया भाई, वैसे आज ना मेहनत बहुत हो गई, पर आज यहाँ से अभी जहाँ पे रुके हैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे, कुछ दूर चल के ना 100 किलोमीटर के आसपास फिर रुकेंगे। तो भाई होटल अपना वो रहा, और गाड़ी अपनी देख ही रहे हो भाई कहाँ पे लगी है। आ जाओ सारा काम हो गया, अब आगे निकलते हैं और आगे चल के कहीं होटल देख के ना रुक के आराम से सोएंगे। वैसे भाई अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, और मैं गाड़ी ना होटल पे लगा दिया हूँ जो कि अपने पीछे देख सकते हो, और राजस्थानी होटल है अपना भाई सामने, जो कि यार देख सकते हो बिजली ना काफ़ी ज़्यादा तड़क रही है अभी इधर, और अपनी गाड़ी ये रही। अभी यार इधर का मौसम देखो खतरनाक सा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना बादल ज़्यादा गरज रहे हैं और तड़क रहे हैं भाई, देखो पूरा वाइट वाइट हो रहा है। और फटाफट हम भी खा लेते हैं, क्योंकि एक एक करके ना यहाँ पे बारिश हो रही है, इसके लिए जल्दी से खा लेंगे, बारिश हो जाएगी तगड़ी फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने गाड़ी में रहेंगे भाई। किसी का टायर फाड़ गया उधर, आवाज़ आई फट, यानी कस की आवाज़ करता है ना इसके लिए। अभी ये रहा अपना होटल, जो कि भाई ये जब पेड़ वगैरह लगे रहते ना और काफ़ी सुंदर लगता है। अच्छा खाते हैं फिर। तो भाई यार खाना खाने बैठते ही ना इतनी ज़ोर से बारिश आ गई यार, आपको क्या ही बताया। और टीन का तो भाई होटल है, और ऊपर से पानी जितना तगड़ा गिर रहा है ना उतना तगड़ा भाई आवाज़ ही आ रही है, और पानी देख ही सकते थे भाई कितना तेज था। तो भाई छोड़ो ये सब बातें, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक करो भाई, जो गलती करता हूँ वो गलती भी बताया करो तो उस गलती को मैं सुधारूंगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो फटाफट भाई सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।